अब एक विशेष रिपोर्ट। कुछ लोग बिना शोर शराबे के काम करते हैं, ऐसी ही एक शख्सियत है छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल। ये करीब 40 साल से समाज के कमजोर वर्ग की मदद करते आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हजारों लड़कियों की शादी में रुपए पैसे की मदद और 10,000 से ज्यादा बच्चों की फीस। छत्तीसगढ़ सरकार में एक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ये काम कर चुके हैं, लेकिन बिना किसी शोर शराबे के। अपने आप ही भैया के पास लोग आते हैं, क्योंकि भैया जन नेता है और वो दिन भर लोगों के लिए बैठते हैं। जहाँ वो बैठते हैं बंगले में, वहाँ तो सवेरे 8 बजे से भीड़ लग जाती है। साथ साथ जैसे कोई उनके क्षेत्र के लोग या कोई भी क्षेत्र कहीं से भी लोग आते हैं, जो बेटियों की शादी ही नहीं हो पा रही है या बेटियों को वो खर्च नहीं कर पा रहे, तो ऐसे हजारों बेटियों की शादी बृजमोहन भैया ने करवा दी है और उसके कभी प्रचारित नहीं किया। और उसी प्रकार से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको फीस नहीं पटा पाते हैं, तो उनकी फीस की व्यवस्था करना, उनका एडमिशन कराना, ये भी हजारों की तादाद में है। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमेशा केंद्र में रहे हैं। उनकी लोकप्रियता को ऐसे समझ सकते हैं कि वो रायपुर दक्षिण सीट से लगातार 8 बार से जीत रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के भाई योगेश अग्रवाल बताते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में 100 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनवाया था, जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता था। तो कोविड के समय जो उनके बृजमोहन भैया के बेटे का कॉलेज है, उस कॉलेज के हॉस्टल में उन्होंने कोविड हॉस्पिटल खोल दिया और 100-बेड हॉस्पिटल खोला और उसमें ऑक्सीजन की पूरी पाइपलाइन बिछाई, पूरी एक ऑक्सीजन की यूनिट बैठा ली और वहाँ सारी सुविधा उनको खाने से लेकर के उनके एक्सरसाइज, योगा और डॉक्टर की गुणी टीम वहाँ पर थी। तो ये इस प्रकार का काम चलता रहा और हजारों लोगों को उसमें फायदा भी हुआ। इस कोविड सेंटर में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके लिए निःशुल्क दवाई, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और जितनी भी आवश्यकताएं किसी हॉस्पिटल में एक मरीज को होती है, उन सब की सुविधा दी गई है। इस कोविड सेंटर के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो मरीज हैं, जिनके लिए कहीं पर कोई सुविधा नहीं है, उनको निःशुल्क सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो और वो स्वस्थ होकर अपने घर जाए। नेकी कर दरिया में डाल की कहावत बृजमोहन अग्रवाल पर सटीक बैठती है। समाज को ऐसे लोगों की हमेशा से जरूरत रही है, जो बिना शोर शराबे के सेवा करें, ताकि गरीब और असहाय लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें। कैमरामैन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया।